इन दिनों जब आप बाहर से खाना मंगाने से डरते हैं और किचन में भी पसीना बहाना नहीं चाहते हैं, तो मैं मीनू आपके लिए लाई हूँ एक परफेक्ट हेल्दी थाली, जिसमें आपकी माँ के हाथों का होगा प्यार और जिसे कोई भी बना लेगा यार। वेलकम टू माई चैनल, तू भी बना लेगा। तो चलिए आज के मेनू में हम रखते हैं दाल तड़का, प्याज वाली भिंडी, राइस, फुलका। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लंच में कर्ड हमेशा लीजिए, तो हम कर्ड के साथ कुछ डिफरेंट करते हैं, हम बनाते हैं खीरे का रायता। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। ये 1 कप राइस है और इसे हमने 1 घंटे पहले सोक किया हुआ है। 1 कटोरी जो है आपके दाल, उसको भी 1 घंटे पहले सोक किया हुआ है। और भिंडी है 1/2 किलो के करीब, 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और इसको मैंने भी 1 घंटे पहले जो है धो के रखा हुआ है, क्योंकि हम भिंडी को तुरंत धो के या काटने के बाद नहीं धोएंगे, इसलिए पहले से हम धो के रखते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और चिपचिपी भिंडी ना बने। तरह से हमने भिंडी काटी है उसी तरह से हम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन्हें भी महीन महीन काट लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरी 3 बर्नर वाली गैस है, इसलिए मैंने 1 में चावल दाल और 1 में भिंडी चढ़ाई है। अगर आपके पास 2 बर्नर वाली गैस हो तो आप पहले दाल और भिंडी को कुक करेंगे, बाद में चावल चढ़ाएंगे। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें चावल डाल दीजिए और लिड हटाकर भिंडी में मसाले डाल दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। मसाले डालने के बाद 2 मिनट तक हम लो फ्लेम पे भिंडी को भूनेंगे। रोटी का आटा लगाते समय हम उसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए आटे को गूंदेंगे, और रोटी का आटा थोड़ा सा पराठे के आटे से सॉफ्ट होता है। हमने इस पैन में हम दाल में तड़का लगा लेते हैं टमाटर और प्याज का। तो ये हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून घी,
जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। डाइजेशन के लिए हींग बहुत अच्छी होती है और दाल में स्पेशली तड़का हमेशा हींग का लगाना चाहिए। थोड़ी सी ली हमने करीब 2 चुटकी और ये जीरा डालेंगे हम इसमें आपका 1 टीस्पून। जीरा डाल दिया है और अब हम प्याज को भून लेते हैं। प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाएगी फिर हम डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा लहसुन जो हमने डाला था 2-3 कली वो भी डाल देते हैं। जैसे ही प्याज आपकी लाइट ब्राउन हो जाएगी हम टमाटर और अदरक और हरी मिर्च जो काट के रखी है वो डालेंगे। एक बार हम अपने चावल को भी देख लेते हैं। बस 1 मिनट इसको और पकाना है फिर हम इसको इसके पानी को छान लेंगे। चावल भी हमारे गलने वाले हैं। मसाला भुनने में 2 मिनट लगेंगे। अब इसमें दाल डाल दीजिए और उबाली आने तक पकाइए। अब रायते के लिए हम दही को व्हिप करेंगे। ग्रेटेड खीरा डाल देंगे। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि खीरे में बहुत पानी होता है। हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून व्हाइट सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून जीरा पिसा हुआ। अभी हम टफड़ रोटी बना लेते हैं। इस तरह से आपने ये लगा लिया और थोड़ा सा बेल के फिर आप आटा लगा लें इस तरह से और घुमा के रोटी बनेगी। इस तरह से आप हल्का हल्का घुमाएंगे तो रोटी सब तरफ से बराबर बराबर एकदम लेवल की होगी, मोटी पतली नहीं होगी और इस तरह से बहुत इजीली बन गई। अब हम इसको सेक लेते हैं इस पर लेकर। इवनली रोटी बिली होगी तो वो फूलेगी भी जरूर। ओके, ऑल इज डन। अब हमारी परफेक्ट और हेल्दी थाली तैयार है। चलिए हम अब खाना शुरू करते हैं। इस थाली को बनाने में हमको बस 1/2 से 1.25 घंटा लगा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।